गाइस देख सकते हैं आप, हम आ गए हैं इंडिया गेट। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, और फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं विद फैमिली, तो फैमिली के साथ आया हूँ इंडिया गेट। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं अभी का सीन कुछ ऐसा है, हमने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है मॉर्निंग से, और बस हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, वो ब्रेकफास्ट करना है। और बच्चों ने सुबह सुबह से शोर मचा रखा है, सुबह 6 बजे से शोर मचा रखा है, कभी मोबाइल, कभी फीटर, कभी चीज़, कभी कुछ, तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। और इतने सारे बच्चों में बच्चे ऐसे ही परेशान करते हैं, उनकी भी गलती नहीं है, तो मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। कल यहाँ पी जमा मस्जिद गई थी, मगर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और मैंने कल भी अपना व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था इस वजह से, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। तो आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट वापस से किया है। नेहा भी कपड़े वॉश कर रही है ऊपर, हम नीचे हैं और ब्रेकफास्ट करेंगे, और मिलते हैं आपसे आगे चलकर, और बने रहिएगा एंड तक, देखते रहिएगा ग्रैंड सिटी की व्लॉग। अभी हमारा हो चुका ब्रेकफास्ट टाइम, ब्रेकफास्ट में पूरी सब्जी आई है, सब बच्चे आ गए। ऊपर देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये देखिए, नापी ने सुबह सुबह कपड़े वॉश कर दिए, और अभी 11 बजे हैं सुबह के, और कपड़े वॉश भी कर दिए, और ये देखो ये बच्चे कैसे नहा रहे हैं। अभी क्या चला रहे हो तुम, ये साइकिल जिम वाली बेटे? देखो अच्छा, पैंडल से चलाओगे? चला लो। मटरू रहने दे, बस परेशान कर रही है, तेरी मम्मी कपड़े धो रही है तेरे, आज तू ही परेशान कर ले, तेरे कपड़े धुल रहे हैं, इतना परेशान करती है। तो यहाँ बन रही है खीर, तो सुबह सुबह खीर बनने रख दिया नहीं आपके लिए, और ये बच्चों के लिए साकी भाई के लिए, बच्चों के लिए क्या दे रही है नहीं आपके, देखो बच्चों के लिए क्या क्या करती है, फिर भी बच्चे शैतान बन, देखो कितना करते हैं, देखो कबीर तो यही है और अली भी यही है, देख लो ये इनकी कचर कचर चल रही है बस। सदा पे तो पता नहीं दिन में कोई 10 या 20 बार तो बैग खोल के बैठे हैं। कबीर ये क्या लिया आपने, ब्रेड? ये पीनट बटर है, चॉकलेट वाला? देखो यहाँ, अच्छा आज खाला जान की घर दावत है हमारी। कबीर आप तो रेडी नहीं हुए अभी तक, आप क्यों रेडी नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, जल्दी से हो जाओ। हानिया गाइस चलते हैं मार्केट, मार्केट से थोड़ा सामान लेकर आना। शाही पनीर, हम जा रहे हैं गाइस मार्केट, मार्केट से लाएंगे दाल मखनी। तो नेहा पे और साकिब भाई बच्चे तो जाएंगे शादी में, और हम रहेंगे घर, तो हम दाल मखनी खाएंगे, तो मार्केट चलते हैं, मिलते हैं आपसे वहीं जाकर। तो यहाँ पर लेना है दाल मखनी, तो यहाँ की बेस्ट है शाही पनीर, दाल मखनी सब यहाँ की बेस्ट है, तो साकिब भाई यहीं से लेके जाते हैं, तो बहुत अच्छा टेस्ट है इनका, दाल मखनी का भी और शाही पनीर का भी। और मेरी वॉइस को थोड़ा इग्नोर करना गाइस, क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो रही, गला ख़राब है, तो जब तक ठीक नहीं होता तो प्लीज़ इग्नोर कर। चलिए आ गए वापस घर, चलते हैं अंदर। खाने का टाइम हो चुका है, और दाल मखनी लेकर आया था मैं, और चावल भी हैं और सर्दा भी था, तो खाना खाते हैं, मिलते हैं आपसे खाने के बाद। तो गाइस हमारा तो खाना पीना मस्त एकदम हो चुका है, और मैं आ गया हूँ यहाँ पे ड्राइंग रूम में, तो थोड़ा सा कुछ देखते हैं यूट्यूब पर, कुछ कंटेंट देखते हैं, कुछ समझ में आ जाए, कुछ देखते हैं शॉर्ट वीडियो के लिए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, गुड मॉर्निंग। हमारी सुबह हो चुकी है और गाने चल रहे हैं, सुबह सुबह बच्चों ने गाने चला दिए, और शोर शराबा, अली रकीब स्कूल गए क्योंकि उनका एग्ज़ाम है, और बस सब उठ गए, ब्रेकफास्ट का टाइम होने वाला है, ब्रेकफास्ट करेंगे, मिलते हैं आपसे आगे चल गए। क्योंकि ब्रेकफास्ट की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, एग बॉयल करने रख दिए हैं, बिल्कुल जस्ट अभी उठे हैं, और मैंने तो अपना फ्रेश हो चुका हूँ, और स्टार्ट भी कर दिया अपना व्लॉग। बच्चों ने शोर मचा रखा है, कभी कभी तो सॉरी रकीब और अली तो स्कूल गए हैं, देखते हैं आज कहीं घूमने जाने का प्लान है, वो कहाँ जाने का प्लान है वो बाद में पता चलेगा आपको। अशाद क्या कर रहे हो, ब्रश कर रहे हो, फिर क्या कर रहे हो, बोलो
क्या कर रहे हो? बब्बू मांगता है, बब्बू करे तो बब्बू देगा। बब्बू नहीं, पहले तो ब्रेकफास्ट करेंगे, चाय पियेंगे। आप बड़े हो गए हो। बड़े हो गए अब। हाँ हाँ, पीटे बंद करो। सही कह रही मम्मी। हानिया, हानिया का तो मुंह खुल जाओ बस। हानिया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अभी चले चले मार्केट चल रहे हैं, चलो जल्दी कर। अच्छा ठीक है, चलो। साथ कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? हाँ पापा आ रहे हैं। अच्छा नानू आ रहे हैं तेरे? अच्छा अली तुम्हारे कौन आ रहे हैं? नानू? नहीं नानू नहीं आ रहे, खालू आ रहे हैं। खालू खालू आ रहे हैं। खालू मुझे बताना नहीं आता। हाँ नानू नहीं, खालू आ रहे हैं। चांद खालू, असद खालू, इजना के पापा, इजना के खालू, है ना? है ना इजना? है ना? हानिया, ओ हानिया तो पिंकी पिंकी हो गई है। हैं हानिया पिंकी पिंकी हो गई हो आप? पिंकी पिंकी हैं? खाने की तैयारी है, खाना खाते हैं। दस्तरखान भी लग चुका है, कभी ने दस्तरखान लगा दिया है, खाना खाते हैं। चलो भाई मिलते हैं आपसे खाने के बाद। शाम की तैयारी चल रही है कबाब की, शामी कबाब की। तो शाम में हम जाने वाले हैं इंडिया गेट घूमने के लिए, तो वहीं पर ही खाएंगे पियेंगे। तो यहाँ पे वहीं के लिए बना रही है शामी कबाब, है ना यहाँ पे? तो ये देखो कैसे मिक्सी में पीसा जा रहा है, कितना सब फैला हुआ है। इधर से तो पप्पी बर्तन धो रही है और मैं आराम से चाय पी रहा हूँ। और ये अली देखो, तो अली भी हमारे ब्लॉग में आता था। ये देखो बच्चे कैसे खेल रहे हैं। तो ये देखिए हमारी शामी कबाब बन रहे हैं। तो सुबह से मम्मी और न्यापी किचन में लगे हुए हैं। तो मम्मी शामी कबाब रेडी कर रही है, न्यापी चिकन बिरयानी। तो सुबह से लगे हुए हैं किचन में न्यापी और मम्मी। एक मिनट का भी सांस नहीं मिला क्योंकि चांद भाई असद भाई भी आए हुए हैं। तो इंडिया गेट जाएंगे, इंडिया गेट पर हमारी छोटी सी पार्टी होने वाली है फैमिली के साथ। ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते एंड, ऐसे नहीं करते। अभी तो हमें इंडिया गेट पे जाना। अभी इतनी जल्दी क्यों एंड कर रहे हो वीडियो का? नहीं, नहीं। चलो एक बार करके देख लो। ओ कर दिया कभी ने एंड, बस बस ठीक है। अब जब हम रात को इंडिया गेट से आ जाएंगे ना, जब एंड करेंगे ठीक है। तो, देखो इतना देखो कैसे खेल रही है, कबीर भी देखो कैसे खेल रहा है। और एक हम कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ बैठे हैं और कुछ नहीं। वीडियो एडिट करिए आराम से, और कुछ नहीं है। अभी 7 बजे है ना पब्लिक कर दूंगा वीडियो, उसके बाद में देखना जाकर अकाउंट पर। तो देखो अली बहुत परेशान कर रहा है, कुछ करने नहीं दे रहा। बिरयानी रेडी हो चुकी है, अब्बा फटाफट जल्दी, और सब रेडी हो चुके हैं। असद भाई भी, चांद भाई भी, सदा अप्पी के बाल बन रहे हैं। इधर अली भी, इंशाप्पी भी, अम्मी भी, सब रेडी हैं। हाँ अली, और हमारे तो कोई जरूरत है नहीं रेडी होने की, हम तो अपना सिंपल ही ढंग है। बाकी जो सब मेकअप कर रहे हैं बच्चे, देखो बाल काले। कोई बात नहीं, इन चोली आके दोबारा करा लेना। मम्मी ने टोक दिया और यहाँ पे भी टोक दिया। मुझे पता था मुझे सुनने के लिए मिली मम्मी के गाने नहीं लगाने, लगाने की वजह। नीचे गेट पे नीचे खड़े हैं और वन यहाँ पे साकी भाई आ रहे हैं, फिर हम चले जाएंगे सीधा इंडिया गेट। तो मिलते हैं आपसे वहीं जाकर। गाइस देख सकते हैं आप, हम आ गए हैं इंडिया गेट। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, और फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं विद फैमिली, तो फैमिली के साथ आया हूँ इंडिया गेट। तो आप देख सकते हैं रात का नज़ारा यहाँ पर, नाइट व्यू देखिए बहुत ज़बरदस्त। रोड के उस पार भी बैठने का बहुत, मतलब बहुत जगह है, बहुत बड़ी जगह है बैठने की, चाहे जहाँ बैठिए चाहे जैसे घूमिए। रोड के उस पार भी, रोड के उस पार भी बहुत खूबसूरत चीज़ें बनी हुई हैं, बहुत अच्छी। मगर हम इंडिया गेट आए हैं और इंडिया गेट पर आप नज़ारा देख सकते हैं कितनी भीड़ है। टूरिस्ट लोग यहाँ पर, दिल्ली के भी लोग हैं, आउट ऑफ कंट्री से भी यहाँ पर आते हैं। और देखिए कितना खूबसूरत वहाँ पर फुहारा भी चल रहा है, वो भी दिखाऊंगा मैं अभी जाके। तो फैमिली सब उधर बैठी है, तो देख सकते हैं इंडिया गेट। और इंडिया गेट के साथ हम भी हैं, और मैंने तो फ़ोटो भी क्लिक कर लिए हैं। तो अभी सबके देखते हैं जैसा भी रहेगा, खाना पीना करते हैं सबसे पहले, उसके बाद में फ़ोटो वगैरह भी क्लिक करेंगे। तो फैमिली सब उधर बैठी है, ये देखिए सब कैसे खेलते फिर रहे हैं। देखो
ये लाइटों इधर लेके घूम रहे हैं ना, लाइट लाइट, तो सभी एक रकीब, अशाद, अली, कबीर, यही सब है। तो हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि इनका आर्थिक खेलना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए यहाँ पर, देखिए इजना, चांद भाई सब फोटो क्लिक कर रहे हैं। अंधेरा हो रहा तो कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा। मम्मी मम्मी हानिया सब इधर ही बैठे हैं। इन शप्पी, असद भाई सब ये रहे। बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, बहुत ज़्यादा, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। उधर भी एक फुहारा चल रहा है और हमारे फ्लैग के कलर वाले ही लाइटें लगी हुई हैं। तो इंडिया गेट है तो हमारे इंडिया के तिरंगे की जैसी, फ्लैग की जैसी लाइटिंग हुई हुई है यहाँ पर चारों तरफ। तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है। तो अभी खाना पीना भी करेंगे, फिर बाद में और फोटो क्लिक करेंगे। तो मिलते हैं आपसे खाने के बाद। चप्पी के असद भाई के फोटो क्लिक कर रहा हूँ मैं, फोटोग्राफर बन गया हूँ मैं यहाँ पर। फिलहाल इनके फोटो क्लिक करते हैं। इंडिया गेट की लाइट बंद हो गई है फ्लैग वाली। और सदाबप्पी, इन शप्पी देखो, ओ सॉरी, सदाबप्पी और चांद भाई उधर फोटो क्लिक कर रहे हैं। देख सकते हैं कितने बच्चे परेशान कर रहे हैं। देखो यहाँ पे, देखो क्या हुआ, मैं फोटो क्लिक करूँगा, मैं ही करूँगा सबके सबके फोटो मुझे क्लिक करना है, सबके मैं ही कर रहा हूँ। मेरे फ़ोन की मेमोरी ख़त्म करेंगे। देखो अपने आप की बारी है शाकिब भाई की, बाकी सबके मैंने फ़ोटो क्लिक कर दिए हैं और मेरा अभी भी एक भी फ़ोटो अच्छे से क्लिक नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, जैसे भी है देख लेंगे, जब कभी अपने दोस्तों के साथ आऊँगा ना। तो खाना खाने बैठ गए हैं, अभी अशाद के ना कुत्ता काट लेता, बच गया बाल बाल। तो कोई बात नहीं, सबके फ़ोटो भी क्लिक कर दिए हैं, ग्रुप के फ़ोटो भी क्लिक कर दिए हैं और सब खाना खाने बैठ गए हैं। ये देखिए यहाँ पे सबको बच्चों को जूस करके दे रही हैं, उधर खाना चल रहा है, मस्त बिरयानी बना के लेकर आई है यहाँ पे चटनी के साथ, मज़ा आने वाला है। कबाब भी हैं, शामी कबाब भी हैं, सॉरी भूल गया था। और इंडिया गेट के पास पार्क में और खाना भी चल रहा है और इंडिया गेट की वीडियो भी बन रही है। तो फर्स्ट टाइम फैमिली के साथ आए हैं और यहाँ पर खाना खा रहे हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ अपनी फैमिली के साथ, फैमिली के साथ क्या, वैसे भी फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। तो चारों तरफ लाइटिंग लाइटिंग है, दिल्ली दिल वालों की गजब है यार। अली यार में जा रहे हैं घूमने, क्योंकि अली बहुत रो रहा था तो अली को घुमाने जा रहा हूँ, है ना अली, अली घूमने जा रहे हो? हाँ, तो अली को उधर फुहारे की तरफ लेकर जा रहा हूँ। ये देखिए बहुत अच्छा नज़ारा है। तो उधर स्ट्रेट जाएंगे ना, रोड पार करके वहाँ राष्ट्रपति भवन है। तो जा रहे हैं फुहारे के पास, फिलहाल वहीं मिलते हैं जाके आपसे, ज़्यादा व्लॉग बड़ा नहीं करेंगे, तो वहीं मिलते हैं फुहारे के पास। देख रहे हो चारों तरफ लाइटिंग कितनी खूबसूरत है, और यार बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। बहुत बड़ा पार्क है यार इंडिया गेट पे, बहुत बड़ा, घूमते घूमते थक जाएंगे मगर ख़त्म नहीं होगा। ये देखिए साइड से इंडिया गेट, तो सब यहाँ पे फोटो भी क्लिक कर रहे हैं। टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं बहुत। ये देखिए कितना खूबसूरत, बहुत ज़्यादा। नाइट में घूमने का मज़ा अलग ही है। देखिए इंडिया गेट साइड से, और हम भी ये देखिए बहुत अच्छा। तो भी हम जा रहे हैं इंडिया गेट के नीचे को निकल कर जाएंगे ज़रूर, इतने वेट करिए। देखिए कितना शानदार व्यू है यार इंडिया गेट का, फर्स्ट टाइम आया हूँ, चाहे फैमिली के साथ आया हूँ चाहे जैसे आया हूँ फर्स्ट टाइम। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी फुलवारी है, कितने अच्छे अच्छे फूल लग रहे हैं यहाँ पर, देख रहे हैं अलग ही नज़ारा। ये है हमारे हिंदुस्तान। अली नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं जाएंगे। अली देखो
देखिए ये इंडिया गेट की बैक साइड है। बैक साइड इतनी पब्लिक नहीं है, फिर भी है मगर इतनी नहीं है। तो ये देखिए ये लाइटिंग यहाँ से जा रही है। अली ने भाई ले रखी है इन्होंने। अली आपने ली तो है, पापा दिलवा के तो ले गया आपको। तो ये देखिए जितनी बार दिखाऊँ उतनी बार कम। तो अलग अलग मिनटों सेकंडों में लाइटें चेंज हो रही हैं। पहले देख रही हैं आपने अपने इंडिया की तिरंगे वाली थी, फ्लैग वाली। तो चलिए इधर चलते हैं। यहाँ पर तो बाहर कंट्री के भी लोग बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। राजधानी है भाई, इंडिया की राजधानी है तो आएंगे ही। देखो एक उधर भी फुहारा चल रहा है, सेम जैसा इधर साइड था ऐसी उधर साइड है। ये देखिए फिर चेंज। यहाँ भी अच्छा है बहुत। चलो चल रहे हैं वापस फैमिली के पास। पुलिस आ गई है तो यहाँ से खाली करा रहे हैं। चल रहे हैं वापस, वहीं चलते हैं, शायद पूरे इंडिया गेट को खाली करा देंगे। चलते हैं वापस जहाँ पर सब बैठे हैं। देखो सब जाने लगे हैं, 10 बजने वाले हैं ना, 9:30 तो बज चुके हैं और टाइम भी लगेगा खाली होने में। इंडिया गेट से तुम बाहर आ गए हैं तो सामने आप देख सकते हैं वहाँ इंडिया गेट है और रोड के इस पार आ गए हैं तो इधर राष्ट्रपति भवन भी है। और पब्लिक को भी निकाल रहे हैं और खाने पीने वालों को, गाड़ी वालों को, सबको बाहर निकाल रहे हैं। तो अपनी फैमिली तो यहाँ बैठी है। असद भाई, चांद भाई चले गए हैं, सॉरी असद भाई और साकिब भाई चले गए हैं। चांद भाई हमारे साथ हैं, हमारी गाड़ी आ रही है तो हम गाड़ी में जाएंगे। मम्मी भी इधर ही बैठी हैं और मैं तो आपके साथ हूँ और आपके सामने। फिलहाल मिलते हैं आपसे बाद में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो गाइस फिलहाल घर आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो मैं किचन में एंड कर रहा हूँ वीडियो, क्योंकि सब अपने अपने रूम में पहुँच गए हैं। बच्चे भी बहुत परेशान कर रहे हैं, बच्चे भी लेटने की तैयारी में, हम भी सब लेटने की तैयारी में। तो आइसक्रीम खाएंगे पहले, सबका आइसक्रीम का दिल कर रहा था तो रास्ते में तो कहीं रुके नहीं, सीधा घर आ गए। तो किचन में हूँ तो यहाँ पे भी काम कर रही हैं। तो फिलहाल इस लोग कहीं एंड करते हैं। आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।